हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रमन सेठी एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 4 ऑफ 8th क्लास साइंस, दैट इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल और नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल के बारे में स्टडी कर रहे थे हम इसमें। तो अभी तक हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था कि मेटल्स लस्टरस होती है, नॉन मेटल्स नहीं होती, मेटल्स हार्ड होती है, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती है, मेटल्स के अंदर मेलेबिलिटी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स के अंदर मेलेबिलिटी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, मेटल्स होती हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, नॉन मेटल्स नहीं होती, और मेटल्स सोनोरस होती है, नॉन मेटल में सोनोरिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये सब कुछ हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो अब आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट वन इज़ रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे होगी वो स्टडी करना है। तो यू आर फैमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। कि आपने रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ा होगा कि आयरन जब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो ऑक्सीजन और एनवायरनमेंट से वाटर अब्जॉर्ब करके रस्ट बना लेता है। तो वो क्या था कि आयरन क्या था, मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही थी ना उसमें भी, तो यानी कि रस्ट इज़ फाउंड बाय रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विद ऑक्सीजन। तो आप इस फिनोमेना को रिमेंबर करो। देखो आपने 7th क्लास में स्टडी किया था रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, तो क्या रिएक्शन थी। उसके अलावा आपने ये भी स्टडी किया था कि एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि जिसमें आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। तो मैंने भी आपको साइंस लैब में बर्न करवा के दिखाया था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराते हैं तो क्या होता है। तो बहुत ज़रा तेज़ वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है और वाइट कलर का पाउडर बनता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो यू हैड लर्न डैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस, कि दोनों रिएक्शंस में ही, चाहे आयरन से रस्ट बनती हो, चाहे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेस में जलाते हो हम, तो दोनों केसेस में ही जो है मेटल का ऑक्साइड बनता है। तो कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो आयरन की और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस, इनकम्प्लीट रिएक्शन हमें दी हुई है यहाँ पे, तो इन रिएक्शंस को कंप्लीट करके आपको लिखना है कि क्या बनेगा। तो आपको अभी बता ही दिया है कि जब मेटल और ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आती है तो मेटल का ऑक्साइड बनाती है जो कि बेसिक नेचर का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन को फिल करते हैं कि हमें यह आयरन जिसका फॉर्मूला होता है Fe प्लस ऑक्सीजन O2 जिस जो कि एयर से मिलेगी, प्लस वाटर H2O वाटर वेपर की फॉर्म में, ये भी एयर से मिलेंगे। अब आफ्टर रिएक्शन एरो के बाद बनेगा क्या इन सब के मिक्स होने से, इन सब की आपस में रिएक्शन होने से क्या बनेगा वो आपको फिल करना है। तो वो बनेगा Fe3O4.H2O। इसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, तो जो कि क्या है, आयरन का ऑक्साइड है। तो इसी तरह से मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम एक मेटल है Mg जिसका सिंबल है, प्लस ऑक्सीजन O2 जिस जब इसको जलाएंगे तो एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन लेगी वो, प्लस सॉरी आफ्टर रिएक्शन बनेगा क्या, वो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, वाइट कलर का पाउडर बनेगा मैग्नीशियम मेटल के बर्न होने के बाद, वो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से दोनों रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक्टिविटी नंबर 4.3 स्टडी करते हैं। लेट अस चेक द नेचर ऑफ द रस्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर। कलेक्ट ए स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इट इन अ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ वाटर, यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर, शेक द सस्पेंशन वेल, टेस्ट द सोल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स, वट डू यू ऑब्जर्व, इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक। क्या करना है आपको कि जो आयरन मेटल की ऑक्सीजन और वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से जो रस्ट बनेगी, उस रस्ट को कुछ इकट्ठा कर लो, किसी कोई भी आयरन की पीस जिसके ऊपर रस्ट लगी हो तो उससे आप रस्ट कैसे इकट्ठी करोगे, उस रस्ट को स्क्रैप करके, मतलब जो होता है आपका सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर से रब करके आप उसकी रस्ट को उतार लोगे, और जब लगभग एक स्पूनफुल एक चम्मच भर के लगभग आपके पास रस्ट इकट्ठी हो जाए तो उस रस्ट को इकट्ठा करके एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर डालकर उस वाटर के अंदर मिक्स कर दो। तो जब उस वाटर के अंदर डालोगे तो वो डिजोल्व तो नहीं होगी रस्ट वाटर के अंदर, तो क्या करना है आपने कि उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर अपनी फिंगर से बंद करके टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह से शेक करके उसको घोल लेना है रस्ट को।
तो जब रस्ट घुल जाए तो कंप्लीट वो घुलेगी नहीं, तो सस्पेंशन सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब उसके अंदर वाटर के अंदर हमें रस्ट के पार्टिकल इधर उधर घूमते नजर आएंगी, तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाए। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर से कुछ सॉल्यूशन अपने ड्रॉपर जो होता है ड्रॉपर की हेल्प से निकाल लेना है, और उसको ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर दोनों की स्ट्रिप जो हमारे पास लैब में अवेलेबल होती है तो उसके ऊपर डालना है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जब जो ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर दोनों के ऊपर जब आप रस्ट का सॉल्यूशन डालोगे तब आपको किसी एक लिटमस पेपर सॉल्यूशन में कलर में चेंज नज़र आएगा, और उसके बेस पे आपने डिसाइड करना है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि जब रेड लिटमस पेपर के ऊपर आप रस्ट का सॉल्यूशन डालोगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट विल शो डैट द सॉल्यूशन ऑफ रस्ट इन वाटर इज बेसिक इन नेचर, दैट इज रस्ट इज ए बेसिक इन नेचर। ओके, तो डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, आई हैव सीन ए ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ द कॉपर वेसल। क्या कॉपर भी रस्ट, कॉपर को भी रस्ट लग जाती है क्या? तो आपने देखा होगा कि कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग सी आ जाती है कई बार, तो वो क्या होता है कॉपर की रस्टिंग होती है, कॉपर को रस्ट लग जाती है वो, तो कॉपर की रस्ट ग्रीन कलर की होती है। तो वैन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। जब कॉपर के बर्तन के ऊपर कॉपर को मॉइस्ट एयर में रखा जाता है लंबे टाइम के लिए तो उसके अंदर कुछ डल से ग्रीन लाइट ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3। जो ग्रीन कलर का मटेरियल होगा वो कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3 होता है। द फ्लोइंग इज द रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या होगी, 2Cu + H2O + CO2 + O2, कॉपर प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। कॉपर, हमारे पास कॉपर का कंटेनर था, बर्तन था, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये तीनों चीज़ें उसको मोस्ट एयर से एनवायरनमेंट से मिल जाएगी, गीले मौसम में से मिल जाएगी। तो मिलकर वो क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 + CuCO3। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाने की वजह से ही कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आती है, क्योंकि ये सब्सटेंसेस जो नए बने हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। तो नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन को जब हमने जलाया था तो उस एक्टिविटी को याद करो कि क्या किया था हमने। द ऐश ऑब्टेंड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक एंड बेसिक नेचर। कि जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जो ऐश बची थी, मतलब जो राख बची थी, उसको जब हमने वाटर में डिजोल्व कराया था और उसको एसिडिक और बेसिक नेचर के लिए चेक किया था तो क्या हुआ था, हमें क्या पता चला था कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो वो सॉल्यूशन बेसिक था, हमें यह ऐसे पता चला था। तो हमने कैसे फाइंड आउट किया था कि वो सॉल्यूशन बेसिक है, कि जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जो वाइट कलर का पाउडर बचा था, ऐश बची थी जो, उसको हमने वाटर में डिजोल्व कराया था, और वाटर में डिजोल्व करवाने के बाद क्या करते हैं, उसका कुछ सॉल्यूशन का कुछ पार्ट ड्रॉपर की हेल्प से लेकर रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दोनों के ऊपर डालते हैं। तो जब हम देखेंगे क्या कि रेड लिटमस पेपर जो है ब्लू में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी कलर में चेंज नहीं आएगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। तो जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो इससे मतलब हमें क्लियर हो रहा है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सोल्यूशन बना है वाटर के अंदर वो क्या है, बेसिक नेचर का है। तो इससे हमें समझ आया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डैट द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। तो आपने देखा होगा कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया। सो द ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो भी बेसिक नेचर का है। तो इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जनरली क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो अब हम स्टडी करते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमें क्या समझाया कि जितने भी मेटल्स हैं, मेटल की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो कोई ना कोई मेटल ऑक्साइड बनाता है वो, जो कि बेसिक नेचर की होती हैं। तो लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। कि अब नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन स्टडी कर लें कैसे होगी। तो एक्टिविटी नंबर 4.4, क्या करना है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन डीफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। कि एक थोड़ा सा सल्फर पाउडर एक डीफ्लैग्रेटिंग स्पून होता है उसके अंदर डालकर हीट करना है। तो डिफ्लैग्रेटिंग स्पून क्या होता है, कुछ इस तरह का आपको फिगर में दिखाया गया, फिगर नंबर 4.4A के अंदर, कि
कि जो नीचे से बाउल बना होता है और ऊपर उसकी लंबी एक हैंडल लगा होता है, डंडी सी लगी होती है ताकि दूर से उसको पकड़ा जा सके। तो कह रहा है कि इफ़ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल यू मे टेक अ मेटेलिक कैप ऑफ एनी बोटल और रैप ए मेटेलिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट द शेप शोन इन फिगर 4.4A। कहता है अगर आपके पास लैब में डीफ्लैग्रेटिंग स्पून अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि किसी मेटल किसी बोतल का जो कैप होता है, मेटल का बना हुआ कैप होना चाहिए, तो वो मेटल के बने हुए कैप को लेकर उसके ऊपर मेटल की वायर को रैप कर लेना है और उसको एक डीफ्लैग्रेटिंग स्पून की शेप में शेप दे देनी है जैसे कि आपको फिगर 4.4A के अंदर शो किया गया। तो जब उसके अंदर आपने क्या करोगे, सल्फर पाउडर को रखकर हीट करना शुरू करना है। तो एज सून एज द सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार और ग्लास टम्बलर। तो जैसे ही सल्फर जलना शुरू करें तो उस साथ की साथ ही आपने क्या करना है, उस डीफ्लैग्रेटिंग स्पून को एक गैस जार या एक ग्लास टम्बलर, जैसे कि आपको ये डायग्राम में शो किया गया है, गैस जार शो किया गया है, इसके ऊपर लिड मतलब ढक्कन लगा हुआ है, तो इसको डीफ्लैग्रेटिंग स्पून को उसके अंदर ले जाओ, जलता हुआ सल्फर पाउडर साथ में लेके जाना है बीच में। तो कवर द टम्बलर विद द लिड टू एंश्योर डैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। तब उस टम्बलर को या जो गैस जार था आपका उसको कवर कर देना है, उसको ढक्कन से ढक देना है ताकि जो उसके अंदर गैस बन रही है, धुआं जो बन रहा है वो बाहर ना निकले। तो रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। तो क्या करना है, कुछ देर बाद जब आप काफ़ी सारा स्मोक उस जार के अंदर इकट्ठा हो जाए तो आपने एकदम से उसका जो लिड था वो लिड हटा के चम्मच बाहर निकाल लेना है, डीफ्लैग्रेटिंग स्पून को बाहर निकाल लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा वाटर उस ग्लास टम्बलर के अंदर आपने डाल देना है और वापस ढक्कन लगा देना है। अब क्या करना है, शेक द टम्बलर वेल, अच्छी तरह से टम्बलर को हिलाओ, चेक द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो अब जो आपके पास सोल्यूशन बन गया है उस सोल्यूशन में से आपने क्या करना है कि ड्रॉपर की हेल्प से बाहर निकाल के सोल्यूशन को रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दोनों के ऊपर डालकर देखो, जिसमें आपको कलर में चेंज नज़र आता है तो उसके बेस पे आप डिसाइड करो कि ये जो सोल्यूशन बना है सल्फर को जलाने के बाद तो वो किस नेचर का था, एसिडिक या बेसिक। तो आपको क्या मिलेगा कि अब आपका ब्लू लिटमस पेपर का कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि जो सल्फ़र को जलाने से जो गैस बनी थी वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस थी, और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को जब आपने वाटर में डिजोल्व कराया तो वो एसिड बन गया, और एसिड की प्रेजेंस की वजह से ही आपका ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ द सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि जब सल्फर और ऑक्सीजन को जलाने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, जो न्यू सब्सटेंस बनेगा, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी, और जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वाटर के अंदर डिजोल्व कराओगे तो सल्फ्यूरस एसिड नाम का एक एसिड बनेगा। और इस रिएक्शन को हम कैसे कम्प्लीटली लिखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर H2O मिलकर क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरस एसिड, जिसका फॉर्मूला होगा H2SO3। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। सल्फ्यूरस एसिड की वजह से ब्लू लिटमस पेपर हमारा रेड होगा। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। जनरली क्या होता है कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे ही एसिडिक नेचर के होते हैं। तो रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7। नाउ नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म्स द ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। तब आपको क्या करना है कि इस टेबल 4.4 के अंदर आपको जो 7th क्लास में आपने एसिड्स और बेस के बारे में पढ़ा था ना, तो जो जो एसिड और बेस के नाम आपको याद हैं तो वो बेस के नाम और एसिड के नाम अपनी अपनी टेबल में फिल करने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको नेम ऑफ बेस फिल करना है, देन थर्ड कॉलम में आपको नेम ऑफ एसिड फिल करना है, जो जो आपको याद हो। तो फिर उसके अंदर आपने बताना है कि उस एसिड में या बेस में कौन सी मेटल थी, जिस कौन सी मेटल प्रेजेंट है जिसको कि हम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो ऑक्साइड बना लेगी। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक एक एग्जांपल इन्होंने हमें दिया हुआ है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसके अंदर कैल्शियम नाम की मेटल पाई जाती है, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड नाम का एसिड बना ऑक्साइड बना लेती है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस होता है एक, जिसके अंदर सोडियम मेटल पाई जाती है। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस होता है जिसमें मैग्नीशियम मेटल पाई जाती है। फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड नाम का बेस होता है जिसके अंदर कॉपर नाम की मेटल पाई जाती है। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस है जिसके अंदर
पोटेशियम मेटल पाई जाती है। तो ये सारी मेटल्स कैल्शियम पोटेशियम कॉपर, तो जितने भी मैंने ये नाम बोले हैं वो सारी की सारी मैटर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाती है। तो इसी तरह से जो एसिड होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई नॉन मेटल प्रेजेंट होती है, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, उसके अंदर सल्फ़र नाम की नॉन मेटल पाई जाती है जो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना सकती है। तो इसी तरह से सल्फ्यूरस एसिड जो अभी हमने पढ़ा है जिसका फॉर्मूला H2SO3 था, तो उसके अंदर भी सल्फर मेटल नॉन मेटल पाई जाती है। इसी तरह से आपके पास एक कार्बोनिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3, उसके अंदर कार्बन नाम की नॉन मेटल पाई जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन नाम की नॉन मेटल पाई जाती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो और भी एग्जांपल्स फाइंड आउट करके। तो ये हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एयर कंप्लीट हो गया है। तो हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट हो गई है। देन सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज रिएक्शन विद वाटर, कि मेटल और नॉन मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होती है। तो इस चीज़ को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, कि मेटल और नॉन मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, तो इस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो सोडियम इज मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विगोरियसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन, कि सोडियम मेटल जो होती है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, वो ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ ही विगोरसली मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बुरे तरीके से रिएक्ट करती है। तो जब काफ़ी सारी हीट प्रोड्यूस होती है जब सोडियम मेटल की ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ रिएक्शन होती है, तो सोडियम और एक्चुअली क्या होता है कि सोडियम और सोडियम को जब ऑक्सीजन या वाटर के कॉन्टैक्ट में छोड़ा जाता है तो वो अपने आप आग लग जाती है उसको, बिना किसी चीज़ की हेल्प से, बिना किसी चीज़ से जलाए बिना ही सोडियम मेटल को आग लग जाती है, जब उसको एयर में छोड़ दें तब भी और जब वाटर में रख दें तब भी। तो इसलिए सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि वो मिट्टी के तेल के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब एक्टिविटी नंबर 4.5 क्या करना है, टेक ए 250 ml बीकर और ग्लास टम्बलर, फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन द कॉटन इनटू द बीकर, ऑब्जर्व केयरफुली ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, कीप अवे फ्रॉम द बीकर, व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, व्हाट डू यू फील, हैज द बीकर बिकम्स हॉट, टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो अपने क्या करना है कि एक 250 ml साइज की एक बीकर लेनी है या ग्लास टम्बलर लेना है कोई, जिसको हाफ वाटर से फिल करना है, उसका आधा हिस्सा वाटर से फिल कर लेना है और उसके अंदर एक सोडियम मेटल का छोटा सा कटा हुआ पीस अपने लेना है और उसको पहले तो टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेना है। अब टिश्यू पेपर से या फिल्टर पेपर से साफ़ क्यों करना है उसको, क्योंकि उसको केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा होगा, तो जैसे केरोसिन ऑयल से डुबोकर बाहर निकालेंगे तो वो मिट्टी के तेल से भिगा हुआ होगा, तो उसके अंदर से मिट्टी का तेल निकल जाए, सूख जाए वो, तो इसलिए उसको फिल्टर पेपर से साफ़ कर लेना है और उसको एक कॉटन के पीस, कॉटन का जो छोटा सा टुकड़ा लेकर उसके अंदर लपेट कर, अब हमने क्या करना है उस वाटर के, वाटर से फिल करी हुई जो बीकर थी उसके अंदर डाल देना है। तो जब आप बीकर के अंदर सोडियम मेटल का पीस डाल दोगे तो आपने थोड़ा साइड में हट जाना बीकर से, क्योंकि सोडियम मेटल के अंदर अब आग लगना शुरू हो जाएगी। तो दूर से देख रहे हैं सोडियम मेटल को आग लग रही होगी, तो वाटर के अंदर रखने पर भी आग लग रही होगी। तो जब वो रिएक्शन कम्प्लीट हो जाए, जब आग जलना बंद हो जाए, तब आपने बीकर के पास जाकर बीकर को टच कर देखना है कि क्या बीकर के टेम्परेचर में कोई चेंज आया। तो यस, आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, बीकर गर्म हुई मिलेगी क्योंकि उसके अंदर सोडियम मेटल रखी थी हमने, वो सोडियम मेटल को वाटर में रखने पर आग लगी थी। तो अब उसको क्या करना है कि जो सोल्यूशन अब आपके पास बच गया है, लिक्विड बच गया है वाटर का, वाटर और सोडियम मेटल की रिएक्शन होने के बाद, उस सोल्यूशन में से कुछ सैंपल ड्रॉपर की हेल्प से लेकर रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालकर चेक करना है आपने। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो वो आपने ऑब्जर्व करना है। तो यू ऑब्जर्व डैट सोडियम रिएक्ट विगोरसली विद वाटर, तो आपको देखने को मिलेगा कि सोडियम मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगी बुरे तरीके से और सोडियम में आग लग जाएगी। तो सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, लेकिन सारी की सारी मेटल ऐसा नहीं करती, कि बहुत सारी मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करती है लेकिन इतने बुरे तरीके से, जैसे कि सोडियम मेटल वाटर में डालने पर आग ही लग गई थी, ऐसा नहीं होगा। तो जैसे कि आयरन की बात करिए, तो आयरन
भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है लेकिन धीरे धीरे करता है और आग नहीं लगती। लेकिन अगर नॉन मेटल की बात की जाए तो नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती ही नहीं। तो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। कि जो नॉन मेटल्स हैं वो एयर के साथ रिएक्शन कर जाती है लेकिन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। तो जो मेटल्स नॉन मेटल्स एयर से रिएक्ट कर जाती है बट वाटर से रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए उनको स्टोर करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर के अंदर डुबोकर उन नॉन मेटल्स को रखा जाता है ताकि वो सेफ़ रहें एनवायरनमेंट की एयर के कॉन्टैक्ट में आने से डैमेज ना हो। एग्जाम्पल आपको दी जाए कि जैसे कि फॉस्फोरस एक बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है। जब फॉस्फोरस नॉन मेटल को एयर के अंदर ओपन छोड़ देते हैं तो पड़े पड़े अपने आप उसमें आग लग जाती है। तो इसलिए फॉस्फोरस में अपने आप आग ना लगे ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने से, तो उस फॉस्फोरस को वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद वाटर का टॉपिक भी कम्प्लीट हो गया है। तो आज हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की दो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करी है। एक तो मेटल और नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे होगी, कि जब मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती है जो कि बेसिक नेचर की होती है। इसी तरह से जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो वो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाती है लेकिन वो एसिडिक नेचर की होते हैं। और वाटर के साथ रिएक्शन हमने स्टडी की, तो वाटर में हमने क्या स्टडी किया, जो मेटल और नॉन मेटल हैं, जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके जैसे कि सोडियम मेटल का हमने बताया कि वाटर के साथ रिएक्शन कर जाती है, लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो ओके, तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी के टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की टॉपिक स्टडी जो करवाया है मैंने वो आपको समझ आए होंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।